पहले उमा भारती ओबीसी से सीएम बनी, उसके बाद बाबूलाल गौर साहब बने और आपके शिवराज सिंह चौहान बजे जो कि लगातार 15 वर्षों से है। ओबीसी होते हुए भी ओबीसी की तरफ इन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया, इन आरक्षण क्यों लागू नहीं किया? आपको ये लगता है कि ओबीसी की जनगणना होना चाहिए? नमस्कार, आपकी जन अदालत दिवस से मैं हूँ राजा भैया पाल और आज दबो में जन्माष्टमी के पावन पर्व पर एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में पहुंची है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यदुवंशी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपेश सिंह यादव आपकी जन अदालत न्यूज पर हैं और आज वो दबो पहुंचे थे। रूपेश सिंह यादव जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से पूरा देश आपको देख रहा है, यादव समाज के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए मेरा संदेश यही है कि आज की जो राजनीतिक परिवेश है कहीं ना कहीं यादव समाज को असीये पर रखा गया है, तो सबसे पहले तो हमें एकजुट होकर अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व का मौका देना है। और हम तो कृष्ण भगवान के वंशज हैं, शुरू से और अब तक देखते आए हैं कि जहाँ भी अन्याय हो हम उसके खिलाफ हमेशा खड़े रहे। तो भारत देश में आज आप राजनीतिक चीज़ें देख रहे हैं कि किस धारा पर बह रही है, तो समस्त मेरा यादव समाज के युवाओं से यही निवेदन है कि जहाँ भी गलत हो उसके खिलाफ खड़े हों और किसी के साथ भी कुछ गलत हो तो उसके साथ खड़े रहें। यादव समाज में देखा जाए तो अहीर, घोसी और कमरिया, आपको लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर यदि ये एकजुट हो जाए तो हम मजबूत हो सकते हैं? नहीं नहीं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि सारे लोग एकजुट हैं, अहीर, घोसी, कमरिया, तो ये केवल जो राजनीतिक लोगों के बीच डर है कि यादव समाज को बांटने का जो गलत प्रयास कर रहे हैं या एक निराधार प्रयास कर रहे हैं उसमें सफल वो कभी नहीं हो पाएंगे। तीनों चीज़ें तीनों एक ही हैं, एक पिताजी के तीन पुत्र हैं, उनमें ही से तीनों भाई हैं, उन तीनों को बांटने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है कि इतनी बड़ी जो मध्य पूरे भारत की सर्वश्रेष्ठ अगर जनसंख्या के मामले में अगर कहा जाए तो यादव समाज बहुत बड़ी जनसंख्या और आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी जाति है। इसका आपने फलस्वरूप आपने बिहार में अपने दम पर सरकार बनाई, अपने पिछड़ों को एससी एसटी सबको साथ लेकर वहाँ सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। तो जो राजनीतिक लोग हैं जो उनकी मानसिकता नहीं है कि एक यादव और एक पिछड़ा वर्ग से एक वर्ग से आने वाले लोग सीएम बने या देश का नेतृत्व करें, तो कहीं ना कहीं उनको तीन वर्गों में बांटने का असफल प्रयास है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यादव समाज पूरी तरह एकजुट है और जो तो केवल अफवाहें हैं, हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं। आपको ये लगता है कि ओबीसी की जनगणना होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ओबीसी की जनगणना तो सरकार को करानी चाहिए, कम से कम देश में अनुपात तो है कि किसकी कितनी आबादी है। आज अगर आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व अगर नहीं दिया जा रहा, अभी भी 27% जो आरक्षण कमलनाथ सरकार में जो लागू किया था उस पर स्टे लेके जे अभी उसे आरक्षण को ख़त्म करने का जो प्रयास किया गया उसे 14% कर, हमारे जिला पंचायत और हमारे जनपद और सरपंच काफ़ी सारे चुन के आते थे वो काफ़ी हद तक कम, तो एक प्रयास है लोगों द्वारा कि कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग को कहीं ना कहीं दबाया जाए और सीए पे धकेला जाए, इसलिए जाति का जनगणना नहीं करा रहे हैं कि अगर जाति का जनगणना हो गई तो उन्हें अपना पता चल जाएगा कि हमारी हिस्सेदारी इस देश में कितनी है। आपको नहीं लगता है मध्य प्रदेश सरकार में सबसे ज़्यादा बीजेपी की गवर्नमेंट अभी रही है, लगभग 15 साल शासन में रही है? देखा जाए तो पहले उमा भारती ओबीसी से सीएम बनी, उसके बाद बाबूलाल गौर साहब बने और आपके शिवराज सिंह चौहान बजे जो कि लगातार 15 वर्षों से है। ओबीसी होते हुए भी ओबीसी की तरफ इन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया, इन आरक्षण क्यों लागू नहीं किया? इन्हें केवल आरक्षण, आपने शिवराज सिंह जी को अभी देखा हाल ही में, इन्हें कहीं ना कहीं इन लोगों पर इतना दबाव रहता है भाजपा सरकार द्वारा। आज भी आपके आपने अगर कुछ ओबीसी के प्रति कहा तो हटा दिया जाएगा, जो ओबीसी के होते हुए भी आवाज़ नहीं उठा पाते, अगर आवाज़ उठाते तो आज जो 27% आरक्षण है मध्य प्रदेश से कभी नहीं छिनता। तो निश्चित रूप से आपके जन अदालत न्यूज के असली जो इंटरव्यू में रूपेश सिंह यादव, यादव यादवंशी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने कटाक्ष किया है कि भारतीय जनता पार्टी में तीन तीन मुख्यमंत्री ओबीसी होने के बाद भी आरक्षण लागू नहीं किया गया है। और दूसरी बड़ी बात, यदि देश में जनगणना करा दी जाए तो निश्चित रूप से यादव समाज और के साथ साथ पूरा ओबीसी समाज का जो जनमत है वो निश्चित रूप से वो देश में हकदार होंगे लोकसभा के अंदर। और क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैं आपको और अवगत करा दूं, ग्वालियर शहर के अंदर हमारे पूर्व में मंत्री विधायक यादव समाज से रहे, चाहे वो रघुवीर बाबू जी हो और हमारे राजेंद्र सिंह जी हो, भगवान सिंह मंत्री, इस बार बीजेपी ने इतना पक्षपात किया कि 66 वार्डों में, ग्वालियर की स्थिति बता रहा हूँ, 66 वार्डों में एक भी पार्षद को टिकट ना देकर जो यादव समाज की बेइज्जती करने का काम किया उसका दुष्परिणाम भाजपा शासन को देखने को मिला। 57 साल से जो नगर निगम भाजपा कभी नहीं आ रही थी, 57 साल के बाद वो भाजपा इस बार आ रही है, एक भी यादव और जो उनके जिला अध्यक्ष और सारी लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हमें यादव समाज को टिकट ना देकर हमसे जो गलती हुई है
उसका परिणाम हमें देखने को मिला और यही सबसे बड़ी उनकी हार का ग्वालियर के अंदर कारण रहा, जो 57 साल से नगर निगम में काबिज थी भाजपा, 57 साल बाद उसे हार का मुँह देखना पड़ा। देखा जाए तो आप यादव समाज की क्या मांग चल रही है, समय क्या संघर्ष कर रहे हैं? संघर्ष हमारा यही है कि सारे युवाओं हमारा जो एक तो जातिगत जनगणना कराई जाए, जितनी हमारी हिस्सेदारी है, जितनी हमारी आबादी है उस हिसाब से हमें हिस्सेदारी दी जाए। हमें किसी का हक नहीं छीनना, पर जितने हमारे लोग हैं हमारी हिस्सेदारी हमें सुनिश्चित कर दी जाए। पूरी OBC की अगर आप कहें तो MP में 52% OBC जनसंख्या है, पर 27% आरक्षण देने के बाद उसे भी छीन लिया गया, तो कहीं ना कहीं ये दोगलापूर्ण जो भावना है जो है सरकार की और जो इनका रवैया है, कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय तो किया जा रहा है। अब ठीक है, हमारे लोग जाग रहे हैं, इसका परिणाम अभी ग्वालियर नगर निगम में देखने को मिला, पर भाजपा 57 साल बाद आ रही है, कभी हार का मुँह देखने ही नहीं पड़ा। जाति के जनना के लिए भी हमारे लोग आंदोलन कर रहे हैं और सक्रिय हैं, आगे इसके लिए हम लोग और आंदोलन करेंगे। यादव समाज तो बैकवर्ड की एक जाति में से है, सारी बैकवर्ड हमारे साथ हैं, सारी SC ST साथ हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं उस पर। बिल्कुल, तो आज आपकी जन अदालत न्यूज के इस खास इंटरव्यू में रूपेश सिंह यादव, यादव दमन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मुखातिब हुए हैं। निश्चित रूप से बड़े सवाल उन्होंने दागे हैं। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। नमस्कार।